इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक और समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। जी, मैं अपनी बात बोले। हाँ बोलिए जी। वेद में भी छेद है, इसी का हमें खेद है। मैं आपसे सिर्फ दो शब्दों में इतनी बात जानना चाहता हूँ कि ये जितने भी वेद हैं, ग्रंथ है, कुरान है, आपके चार वेद हैं, बौद्धों का भी कुछ होगा, इनसे हमको बेनिफिट क्या है? अभी मजा आएगा ना। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि वेद में भी छेद है। हो सकता है कि वैसे वेद में छेद हो भी ना, लेकिन मैं सही सही बोल रहा हूँ समीम भाई, वेद से कहीं ज्यादा छेद आपकी पूरी बॉडी में है। तो अगर आप छेद ही देखना पसंद करते हैं, तो वेदों से पहले अपने पूरी बॉडी के छेद गिन लीजिए कि प्रकृति ने, अगर भगवान तो आप मानते नहीं है वैसे आपकी भाषा से लग गया, तो प्रकृति ने आपकी पूरी बॉडी में कितने छेद बनाए हैं। मेरे आगे भी लिखा हुआ है वास्तविक योगी नास्तिक होता है। समीम भाई, अगर आपने कहा तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि अब वेद में एक छेद हो या दस छेद हो या जितने भी धर्म ग्रंथ है उसमें छेद होगा, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा छेद खुद आपकी पूरी बॉडी में बनाया है प्रकृति ने। ठीक है, हमारे छेद से भरा हुआ मिलता है। समझ रहे हो? कि देखो समीम भाई, अब हम चूंकि जिनकी खुद ही शरीर में 72 छेद हो, अब उनको दिक्कत क्या है कि कुछ लोग सिर्फ छेद ही देखते हैं। चूंकि इसमें आपकी गलती नहीं है सर, बिल्कुल आपकी गलती नहीं है, ये अपना अपना नेचर होता है। आपकी बॉडी में जितने छेद हैं, ठीक है, इसका क्या क्या फायदा है, क्या क्या एडवांटेज है इसका? जी, जितने भी छेद हैं ये सब देखिए, पसीना निकालने के भी काम आते हैं, कुछ हगने मूतने के काम आते हैं, कुछ खाने के काम आते हैं, सलीम जी, कुछ सुनने के काम आते हैं, सारे आपको भेजूंगा, आप ही के पास भेजूंगा इनको। हाँ बोले भाई, बोला अपने छेद का काम बताएं सर। हाँ भैया जी, आप तो जैसा कि आपने कहा कि आपके जितने छेद हैं, सारे छेद का आपका अपना अलग अलग काम है, कहीं से आप पसीना निकालते हैं, कहीं से हक देते हैं, कहीं से मूत देते हैं, ये आपका अपना लॉजिक है। अच्छी बात है सर। अब चूंकि अपने छेदों के बारे में आपको इसलिए पता है, यानी कि अपने छेदों पर आपने डीप रिसर्च किया हुआ है, या अपने छेदों से आप अपने बचपन से आप अपने छेदों से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है कि आपके छेद की कौन सी क्या क्या उपलब्धि है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने वेद पढ़ा है? नहीं पढ़ा। कुरान पढ़ा है सर? हाँ जी पढ़ा। ठीक है, वेद नहीं पढ़ा ना आपने? नहीं जी, लेकिन काफी कुछ जानता हूँ, पढ़ा नहीं है, सुना आप जो जानते होंगे अलग बात है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत चीजें घूमती रहती है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जानते होंगे तो अलग बात है। सच में पढ़ा है या नहीं पढ़ा ये बताइए। नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा, तो जब वेद पढ़ा नहीं तो मैं वेद पर आपसे बात करूंगा नहीं। आपने खुद स्वीकार किया कि आपने वेद नहीं पढ़ा है, हो सकता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपने थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे वेद पे बात नहीं करूंगा, लेकिन आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ये कहा कि सब में छेद है, आपने कहा वेद में भी है, कुरान में भी है, बाइबल में भी, आपने सबको टारगेट करते हुए ये कहा कि भाई सब में प्रॉब्लम है, राइट? अब सब में प्रॉब्लम है ये ऐसा तो आपने कह दिया, लेकिन अब सबकी प्रॉब्लम जानने के लिए आपने डीपली अध्ययन किसका किया है? वेद आपने ज्यादा मुझे डीपली अध्ययन नहीं, अगर मैंने अध्ययन किया होता तो मैं आपको बताने आता कि इसमें ये फायदे हैं और ये नुकसान हैं। अरे सर, आपने नहीं, सुनो सर, नहीं ऐसे नहीं होता है। आपने छेद जो शब्द यूज किया है कि सब में छेद है, इससे ये पता चलता है कि आपने सभी छेदों को खोजा हुआ है, तभी तो आप सब में छेद कह रहे हो ना सर। अगर जैसे आपने अपनी बॉडी के सारे छेदों के बारे में विस्तार से रिसर्च की हुई है कि मेरे इस छेद का ये काम है, मेरे इस छेद का ये काम है, तो आपने अपनी बॉडी के सारे छेद का अध्ययन किया हुआ है, आपको सब कुछ पता है। तो जब आपको, अगर आपको ये नहीं पता होता कि मुंह वाले छेद से हगना है कि पीछे वाले छेद से हगना है, तो हमारा भाषा अलग हो रहा है, चूंकि आपने यूज ही ऐसा किया हुआ है। इंसानों के छेद के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है, वो भी मैंने लोगों से ही जानकारी ली है, विज्ञान से जानकारी ली है,
आप क्या? वेद के ज्ञाता हैं तो मैं आपसे वेद पे कुछ पूछने के लिए आया हूँ, आपका तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ सर। नहीं अच्छा एक बात बताओ आप, समूल भाई, सबिम भाई, आपने पहले दावा यही कहा ना कि वेदों में सब में छेद है, तो ये आप तभी कह सकते हैं आपने उसे पढ़ा हो। पढ़ा हो इसीलिए मैं ये बिना कहूँ कि आपने छेद जो बोला है, अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि आपने बोला वेदों में छेद है तो वेदों का छेद बताइए सर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने आते ही कहा कि वेदों में छेद है, कुरान में छेद है, बाइबल में छेद है। अब चूंकि छेद छेद आपने पूरी स्ट्रीम को छेद छेद कर दिया, तो अब मैं भी चाहता हूं कि कुछ छेदा छेदी हो ही जाए। तो छेदा छेदी करते हुए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो आपने कहा ना कि वेद में छेद है, मुझे बताएं कि वेद में कहां छेद आपको दिखा, आपने कौन से टॉपिक में छेद पाया है, वो छेद बताइए, फिर मैं उसका आपको आंसर करूंगा। नास्तिकों को कत्ल करने का हुक्म है वेद के अंदर। रेफरेंस बताइए, रेफरेंस बताइए। ये देखिए आप उससे पूछ रहे हैं जिसने पढ़ा नहीं है, केवल सुना है। मुझे दिखाइए, आप मुझे दिखाइए, आपने कहा कि नास्तिकों को कत्ल करने का उसमें आदेश है, आप मुझे दिखाएं। आप इस बात, एक मिनट भाई जान, आप इस बात का इनकार करते हैं कि वेद में ऐसा कुछ नहीं लिखा? नहीं लिखा, बिल्कुल मैं इनकार कर रहा हूँ सर, आप दिखाइए मुझे। बहुत बढ़िया, ठीक है, हो सकता है मैं तो आपकी बात को मान लूं, मैंने तो पूछा है। आपने ये क्लेम किया कि वेदों में नास्तिकों को मारने का आदेश है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कृपया वो वेद बताइए कि हमारे चार वेद हैं, चारों वेदों में कौन से वेद में ये बात लिखी हुई है। दूसरा कि कौन सा वो, पहली बात तो ये बताइए वेदों में मंत्र होता है या श्लोक होता है? मुझे पता ही नहीं है, आप ही बता सकते हो। मैं जब आपको ये दिव्य ज्ञान किसने दिया कि वेदों में नास्तिकों को मारने का आदेश है? सुनने में आता है आप लोगों की जो आप खुद को वास्तविक कह रहे हैं, आप खुद को वास्तविक कह रहे हैं, फिर आप सुनी सुनाई बातें लाके पेश कर रहे हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वेद अब आते हैं, हमारे यहाँ वेदों में बहुत सारे चीजों की चिकित्सा पद्धति के बारे में भी लिखा हुआ है। आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद में चिकित्सा है, यानी कि जिसको आप आज की तारीख में जिसको आप चिकित्सा पद्धति कहते हैं, बहुत सारी हमारे यहाँ जब आज के मॉडर्न जो साइंस नहीं था, आज की तारीख में जो मॉडर्न जो साइंस टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही है, इसके पहले भी लोग थे, उनका इलाज कैसे होता था? तो हमारे आयुर्वेद के बहुत सारे प्रसंगों में बहुत सारी बीमारियों, बहुत सारी औषधियों और किस तरह से कौन सी चीज पर क्या औषधि काम करती है, कैसे करती है, उसकी विधाओं को बताया गया, उसके प्रारूपों को बताया गया। अब आप कहोगे कि सर चिकित्सा बेकार है, चिकित्सा के कोई फायदे नहीं है, माइक अनम्यूट करिए, आप बताइए कि चिकित्सा के कोई मायने नहीं है, आयुर्वेद का कोई उपयोग नहीं है क्या? जी जी अच्छा, तो मतलब आपने टाइम दे दिया मेरे को। हाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आयुर्वेद का कोई यूज नहीं है? अब आप कह रहे हो कि वेदों के फायदे, आपको छोटा सा एक वो आर्गुमेंट देता हूँ, वेदों के साथ उपवेद जुड़े होते हैं, गंधर्व वेद, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र और धनुर्वेद। धनुर्वेद इज साइंस ऑफ वॉर, आयुर्वेद इज साइंस ऑफ हेल्थ, गंधर्व वेद इज साइंस ऑफ आर्ट, एनी टाइप ऑफ आर्ट, अर्थशास्त्र साइंस ऑफ प्रशासन, जो आप एडमिनिस्ट्रेशन का साइंस कहते हो वो, ये सारे के सारे वेदों से निकल के उपवेद बन के आए हैं। पहली बात ये, दूसरी बात ये, आप ये कहोगे कि भाई वेद से होता क्या है, वेद आपको एक यथोचित जीने का तरीका बताते हैं कि कैसे जीना चाहिए। ये नहीं है कि भैया नास्तिकों की तरह, आर्मी नवाबी की तरह बहन पे चढ़ने की बातें करते रहो, ठीक है? एक मिनट, मेरा एक सवाल है। देखिए सर मेरा खत्म हो जाने दो यार, अभी सुनिए देखिए सर, जहां तक मुझे लग रहा है सलीम भाई जी, मैं बहुत सम्मान से कह रहा हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप एक व्यवसाय वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली, आप मुझे लग रहा है कि आपकी कोई शॉप वगैरह है, ठीक है, इसी तरह मेरा भी एक अपना एक प्रोफेशन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रोफेशन साइंस होता है, ठीक है, ना आपका प्रोफेशन साइंस है ना मेरा प्रोफेशन साइंस है। अब सुन लीजिए, आपको प्रबुद्ध वैज्ञानिकों के नाम बता रहा हूँ और उनके वेदों के ऊपर क्या टिप्पणी है वो बता रहा हूँ, ठीक है। एर्विन श्रोडिंगर, जिन्होंने ड्यूअल वेव मैकेनिक्स के जो जनक रहे हैं, जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1933 में, ठीक है, वो वेदों के और अद्वैत वेदांत के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। उनकी पुस्तक का नाम है माय व्यू ऑफ वर्ल्ड, पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उनकी खुद की लिखी हुई किताब है, आपको पता चल जाएगा कि वो वेदों के बारे में क्या कहते थे। तो आपसे और मुझसे कहीं अधिक प्रबुद्ध विद्वान थे वो। उसके बाद दूसरे आते हैं वर्नर हेजनबर्ग, आप हेजनबर्ग के बारे में पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स उनके बारे में मिल जाएंगे। फिर आते हैं रॉबर्ट जे ओपनहाइमर ने अपने लेटर्स में ये तक लिख दिया था कि एक्सेस टू वेदास इज द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज दिस सेंचुरी में क्लेम ओवर द प्रीवियस सेंचुरी। आई थिंक जो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है वो आपसे और मुझसे अधिक विज्ञान का ज्ञान रखते होंगे, ठीक है जी, आप समझ रहे हो। इवन जो नील बोहर थे, उनकी स्टेटमेंट थी, आई गो इनटू उपनिषद्स टू आस्क क्वेश्चंस,
जो कार्ल सेगन है उन्होंने भी वेदों को सराहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो आप जैसे शॉपकीपर हैं, मैं आईटी सेल उसमें हूँ, तो आपको क्या लगता है कि मतलब हमें ज्यादा ज्ञान होगा या उन्हें ज्यादा ज्ञान होगा? सराहने वाले लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं कुरान को सराहने वाले, तो क्या कुरान सही हो जाए? आप मुझे 5 नोबल लॉरेंट्स बताइए, कितने हैं बताइए, जरा नाम बताइए। ये इंग्लिश में आपने पूछ लिया, इंग्लिश मुझे आती नहीं है। पांच नोबल प्राइज से सम्मानित वैज्ञानिकों के नाम बताइए जो आपने कहा है उसके बारे में। नहीं, मैं नहीं जानता। तो फिर आप वही बात है ना, वो बातें कह रहे हो जिनके बारे में आपको पता नहीं है, तो क्यों कह रहे हो फिर? वो बात कहिए जो आपको पता हो। क्या चीज आप ऐसे? अच्छा मुझे बताइए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की कौन सी, रुकिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की कौन सी पुस्तक आपको ये सिखाती है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, बताइए जरा। ये तो हमें ये किताबों से फिजिक्स वगैरह से ये सीखने को मिलता है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। आप नास्तिक हो ना तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि मानवीय मूल्यों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? कौन सा ग्रंथ होता है आपका? हमें समाज से, आईपीसी से, हमारे देश के संविधान, आईपीसी से। ठीक है, रुकिए, आईपीसी से मिलती है। आईपीसी के बहुत सारे सेक्शन मनुस्मृति से उठाए गए हैं, नहीं यकीन आता सर्च कर लीजिए, आगे बोलिए। उठाए हो कहीं से भी उठाए हो, ये क्या बात हुई? मतलब मूल सोच को छोड़ दोगे? सनातन बिल, एक मिनट सर, सलीम जी देखो सर, पहली बात तो देखो, ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपने जो भी दावा या जो भी क्लेम किया हमारे परिप्रेक्ष में, पहले तो आपने ये बोला कि वेदों में नास्तिकों को मारने की बात है, ठीक है सर? हाँ। तो वो चीज आप दिखा नहीं पाए। अब दूसरी चीज आई है कि अभी सनातन बिल कह रहे हैं, पहले मेरी बात सुनिए, आपको फिर सनातन बिल साहब से कह रहे हैं कि आप आईपीसी को मानते हैं, आईपीसी मानना पड़ेगा, नहीं मानो तो अंदर जाएंगे। सर सुनो ना सर, अरे सैमन जी और सलीम जी, भाई रुको, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है पिछले 100 साल से आप इसको फॉलो कर रहे हैं जी, 70-80-90 साल ही हुए इस चीज को, आईपीसी को आप फॉलो कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी, जी। इसके पहले जो आपके हमारे पूर्वज थे, आपके माता पिता थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो वो कैसे सीखते थे कि हमें सत्य बोलना है, हमें अच्छा काम करना है, हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें चोरी नहीं करनी है, हमें पाप नहीं करना है, हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, वो कैसे सीखते थे? जब आईपीसी की धाराएं नहीं थी या आईपीसी नहीं था तब कैसे सीखते थे आपके? इसका मतलब आपने आईपीसी के, आईपीसी से आपने जान लिया, मेरी पूरी बात सुनिए, आपने आईपीसी से ये जान लिया कि मुझे चोरी नहीं करनी है, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मुझे डकैती नहीं करनी है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि जब आईपीसी नहीं थी, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो उससे पहले जो आपके पूर्वज थे वो इन सभी कामों में लिप्त थे? जी सुनिए मेरी बात, अब इस बात का जवाब मैं दूंगा, आपको 2 मिनट के लिए अब चुप होना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, 2 मिनट, 1 ही मिनट, मैं तो आपकी 10-10 मिनट सुनूंगा, आपको 1 ही मिनट सुनना पड़ेगा। मैं अपनी 200 स्ट्रीम के अंदर ये बात कह चुका हूं कि ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये जिस समय बने थे उस समय इंसान की बेहतराई के लिए बने थे, और वाकई में उस वक्त इंसान को बेहतराई मिलती थी, इनको पढ़ के बहुत सी बातों का पता लगता था कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अब इंसान इतना डेवलप हो चुका है कि उसको ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बताइए मुझे कि आज इन ग्रंथों का क्या मतलब है और क्या फायदा है जब हमें सब कुछ पता है? चलिए, उस समय की बात अलग कर दी मैंने जी, आपको सब कुछ पता है, आपने अभी ये स्वीकार किया कि जिस समय ये धर्म ग्रंथ बने या जिस समय इन धर्म शास्त्रों की रचना की गई थी तो उस समय ये उपयोगी थे, सही है? हाँ, बिल्कुल। और उस समय इन धार्मिक ग्रंथों में ये बात लिखी हुई थी कि चोरी नहीं करनी है, बहुत सी ऐसी बातें हैं अच्छी अच्छी नहीं, मैं जो पूछता जा रहा हूँ उसको बस आंसर करते जाइएगा कि मतलब आज से जितना भी पहले जो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए उससे पहले ये बताया गया कि धार्मिक ग्रंथों में ये लिखा हुआ है चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है, स्वाध्याय करना है यानी कि पढ़ाई लिखाई करनी है, अध्ययन करना है, पढ़ते लिखते रहना है, ठीक है। तो जब आज से पहले यानी कि जो आज आप आईपीसी के अंतर्गत जो चीज समझ रहे हैं, जब यही चीज
आज से हजारों साल पहले जब आपको उन ग्रंथों ने बता दिया है कि आपको ऐसे जीवन जीना है, आपको ऐसे काम करना है, तो अब आप कह रहे हैं कि अब उनकी क्या जरूरत है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आज से पहले जब मेरे बाप दादा रहे, पूर्वज जब हमारे रहे, ठीक है, तो उन्होंने हमको पैदा कर दिया, अब तो हम पैदा हो गए हैं, अब तो हमारे पंख उगाए हैं, अब तो हम भाई उड़ने लगे हैं, तो अब हम अपने बाप दादाओं को अपना बाप दादा नहीं कहेंगे, अब उनको अपना पूर्वज नहीं कहेंगे, अब हम ये नहीं कहेंगे कि सलीम खान के पापा जी का नाम अहमद खान था, हम ये नहीं कहेंगे कि उनके पापा जी का नाम फलाना खान था। यहाँ पूर्वजों के ऊपर आप सर कहाँ आ रहे हैं? नहीं नहीं क्यों नहीं जाएंगे सर, ये कोई बात नहीं होती, मैं आपकी बात का सिर्फ आंसर कर रहा हूँ। जिस तरह से आप अपनी बात को आंसर कर रहे हैं, उसी तरह से मैं आपकी बात का आंसर कर रहा हूँ कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि हम एहसान फरामोश हो जाएं। यानी कि जिन धार्मिक चीजों से या जिन अब वो धार्मिक ग्रंथ का फायदा आप पूछ रहे थे ना, चोरी नहीं करोगे सर, दंड नहीं पाएंगे, बताइए धार्मिक ग्रंथों के फायदे आपने खुद बता दिए हैं। मेरी बात सुनिए, दर्शकों ने सुना है, मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने, अभी आग जलवाऊंगा मैं आपसे आग जलवाऊंगा, बीच में मत काटिए। नहीं पत्थर तो आज भी रगड़ देगा, जंगल में फंस जाए माथे तो रगड़ना ही पड़ेगा। अरे भाई रुको ना, नहीं लाइटर का, आप जंगल में फंस जाओ, आपका लाइटर ना हो, कुछ भी ना हो, लाइटर का पेट्रोल खत्म हो गया ना, माचिस है, भूल गए माचिस ले जाना, आग की सख्त जरूरत है, तो आप भी पत्थर रगड़ोगे? थोड़ा रुक जाइए, मैं इनसे रगड़वाता हूँ ना पत्थर, अभी रगड़ेंगे ये। दर्शकों ये हमसे पूछ रहे थे कि ग्रंथों के फायदे बताओ, मानव जीवन में उनकी उपयोगिता बताओ, और अभी इन्होंने खुद ही अपने मुंह से ये स्वीकार किया है कि उन धार्मिक ग्रंथों के महत्व थे, उनसे तत्कालीन मानव समाज जो था वो उनसे प्रभावित होता था और उसमें निहित बातों का पालन करता था और अपने जन जीवन को बेहतर तरीके से जीता था। इन्होंने खुद ही इस चीज को अभी अभी क्लेम किया है, तो अब ये इस चीज को पूछने के अधिकारी नहीं रह गए कि धार्मिक ग्रंथों के फायदे बताइए, क्योंकि फायदे इन्होंने खुद ही बता दिया है। और ये भी मान रहे हैं कि भैया आईपीसी से इन्होंने सीखा है कि चोरी नहीं करनी है, और जाइए आपने जो कहा है मैं वही बोल रहा हूँ, आपने जो कहा है मैं वही बोल रहा हूँ, आप लेकर लेके चलता हूँ ना। देखो भाई, देखो ऐसे नहीं चलता है, आपने जो कहा है मैं वही चीज बोल रहा हूँ, जो आपने कहा है मैं उसी चीज को बोल रहा हूँ, बाकी किसी चीज को बोल नहीं रहा हूँ। अभी आपने खुद ही कहा कि जब वो धर्म ग्रंथ लिखे गए थे उस समय उनकी महत्ता थी और उनमें अच्छी बातों को निहित किया गया था और उस समय वो उपयोगी थे। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा तो है नहीं। नहीं आप ये बताइए कि जो अच्छी बातें वो आज उपयोगी नहीं है क्या? जैसे सत्य बोलना वो पहले भी जरूरी था, खुद ही बताती क्या उस समय फायदेमंद थे। अब मैं आज तो आज 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 झूठ बोलना चाहिए, बात बता रहा हूं ना मैं आपसे, नटराज आज झूठ बोलना चाहिए। अरे आज भी तो उपयोगी है सत्य बोलना। मैंने आप कहा कि मैंने 200 स्ट्रीम में कहा है कि कुरान भी उस वक्त फायदेमंद था, मुझे उससे मतलब नहीं है सर, मैं कुरान पे डिबेट नहीं कर रहा सर, मैं कुरान पर बात नहीं कर रहा हूं सर। अभी आपने वेदों की बात की और मैं वेदों पे बात कर रहा हूं, और प्लीज मैं आपसे चाहूंगा कि कोऑपरेट कीजिए, बीच में टोका टाकी मत कीजिए, आपको अवसर दूंगा अपनी बात रखने का। सत्य बोलना आज फायदेमंद है कि नहीं है आज के समय में? आपने अभी कहा वो बात दो साल पहले लिखी, मैं उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन्होंने खुद ही कहा है, इन्होंने अभी खुद ही कहा है कि भैया पहले उन जैसे इनसे इन्होंने खुद कहा कि भाई आप आईपीसी से मैंने सीखा है कि भैया हमको झूठ नहीं बोलना है, हमको सच बोलना है, चोरी नहीं करनी है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि मुझे ये चीज आज आपने आईपीसी से सीखा है और मुझे ये चीज मैंने अपने पूर्वजों से सीखा है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, और मेरे पूर्वजों ने मेरे धार्मिक ग्रंथों से सीखा है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे चोरी नहीं करनी है, मुझे किसी के साथ कोई हिंसात्मक व्यवहार नहीं करना है। ये सारी चीजें ये कह रहे हैं कि जिस समय वो धर्म ग्रंथ लिखे गए थे उस समय वो उपयोगी थे। तो जो चीज जब चोरी करना उस समय उपयोगी, चोरी ना करना उस समय उपयोगी था और चोरी ना करना आज भी उपयोगी है, तो फिर ये व्यक्ति कौन सा फायदा ढूंढ रहा है? सवाल ये है ना कि फिर ये भाई साहब कौन सा फायदा ढूंढ रहे हैं, जबकि फायदे इन्होंने खुद ही बता दिए। आपको प्रश्न करना है, उत्तर देना, ये बताइए पहले। आप मुझसे सवाल करें, मैं एक मिनट के अंदर जवाब दूंगा। आप दस मिनट का सवाल करें, आधे मिनट में जवाब, मिनट के अंदर जवाब दे देंगे आप मुझे? आधे मिनट में दूंगा। चलो ठीक है, मुझे नास्तिकता के फायदे बता दो, मुझे नास्तिकता के फायदे बता दो। जी 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 जी, अथक परिश्रम से कमाया हुआ धन बर्बाद नहीं होगा। आपके जीवन का सबसे कीमती समय वो पूजा प्रार्थना नमाज रोजे में बर्बाद नहीं होगा। आप धार्मिक प्रपंडों के अंदर पढ़ के
हिंदू मुस्लिम करके भाई भाई को नहीं मारोगे, ये इससे बड़े और क्या फायदे चाहिए, एक मिनट भी नहीं हुआ। जी बोलिए। आपने कहा कि अगर हम नास्तिक हो जाएंगे तो हम धार्मिक कर्म कांडों में अपने पैसा व्यय नहीं करेंगे। हाँ जी ठीक है। ये बताइए कि मैं नास्तिक हो जाऊंगा तो मैं पब में जाऊंगा कि नहीं? वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारे धर्म में भी, धर्म हमारे पास ये इच्छा निहित होती है कि मैं मंदिर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मैं यज्ञ करूंगा कि नहीं करूंगा, ये हमारी स्वैच्छिक इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि उसमें लिख दिया है तो हमें वही करते रहना है, ऐसा तो लिखा ही नहीं है। वेदों में कहीं ये नहीं लिखा है कि भैया तुमको रोज रोज मंदिर जाना है, नहीं जाओगे तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे, तुमको रोज रोज यज्ञ करना है, नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। वेदों में ये कहां लिखा हुआ है? मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपकी पूरी नास्तिक कम्युनिटी को चैलेंज करता हूं कि वेदों में या हमारे किसी भी धर्मशास्त्र में सिर्फ एक लाइन ये दिखा दो कि जहां पर ये लिखा हो कि ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। तो इन्होंने कहा कि अगर हम धार्मिक रहेंगे तो धर्म ग्रंथों में लिखे हुए कार्यों को करना पड़ेगा तो हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। अब इनसे जब मैंने ये पूछा कि क्या मैं नास्तिक होते हुए मैं पब वगैरह में जा सकता हूं, तो इन्होंने कहा कि कोई जरूरी थोड़ी है कि आप पब में जाओ, अगर जाओगे भी तो वहां आपको बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा, पब में क्या बेनिफिट मिल रहा है? दारू पिएंगे, लड़की के साथ घूमेंगे, नाचेंगे, ये बेनिफिट है? खाएंगे पिएंगे, मनोरंजन होगा। अच्छा, यहाँ आपका क्या मनोरंजन होगा? मुझे कोई रोकना नहीं, उसका बेनिफिट बताएंगे। हाँ सलीम भाई, यज्ञ के फायदे बता देता हूँ। यज्ञ के साथ शब्द जुगा, यज्ञ की परिभाषा होती है दान संगतिकरण देव पूजा, उसके साथ दान भी जुड़ा है। यज्ञ करेंगे तो कई भूखों को खाना खिलाया जाएगा। इन्होंने कहा कि भैया हम पब में जाएंगे तो वहां लड़की के साथ डांस करेंगे और उसके बाद से दारू पी लेंगे, पी के टल्ली हो जाएंगे, गटर में गिर जाएंगे, फिर घर में टांग के आएंगे, बहुत इज्जत शोहरत मिलेगी। ये भाई साहब बिल्कुल लोग गिरते होंगे। अच्छा ठीक है, गटर में गिरते नहीं है क्या? शराब पीने वाले गटर में नहीं गिरते, ये बताइए पहले। गिरते भी होंगे, हाँ, दारू जो हद से ज्यादा पी लेते हैं वो गिरते भी है, देखे भी हमने। तो जो हद से ज्यादा, तो मैं मैक्सिमम पब में जाने वाले जो लोग हैं, वो हद से ज्यादा ही पीते हैं और गाड़ी ठुक जाती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है या कोई सड़क पे कूट देता है या कहीं कूट जाते हैं। तो आपकी जो संस्कृति है, जैसा कि आपने कहा कि पब में, भाई नास्तिक है तो पब में जा सकता है, उसको कोई बटन थोड़ी है, और नहीं भी जा सकता है। ईश्वर नहीं, कैसे पता चला आपको? साइंस ऑफ फिलोसफी से पता चला ना? ईश्वर नहीं, हमने प्रैक्टिकल किया है, नहीं है। नहीं, क्या प्रैक्टिकल किया? प्रैक्टिकल ज्ञान ही तो साइंस होता है, नहीं होता क्या? नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान को ही तो साइंस कहते हैं ना। अच्छा, प्रैक्टिकल ज्ञान साइंस नहीं होता? मुझे नहीं पता प्रैक्टिकल साइंस होता, मैं तो प्रैक्टिकल को ये जानता हूँ कि अगर हम कोई चीज करके देख रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकल बोलते हैं। अभी साहब साइंस कह रहे हो, प्रैक्टिकल क्या किया आपने? जो हमारे ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है कि ईश्वर इस तरह से प्राप्त होगा, उसको हमने उस तरह से प्राप्त करने की कोशिश की, हमें नहीं पता चला, एहसास तक भी नहीं हुआ। पढ़ाई नहीं है, वेद पढ़ाई है, कुछ पढ़ाई नहीं है, फिर आपने प्रैक्टिकल कर दिया उस तरीके से। वाह यार, इतना झूठ क्यों बोलते हो आप? क्या झूठ है बताइए? नहीं झूठ नहीं, आपने बोल दिया ना। आपने पहले कहा कि मैंने वेद वगैरह कुछ पढ़ा नहीं, फिर कह रहे हो हमने जैसे बताया प्रैक्टिकल कर दिया। कानों में रुई तो निकाल लो अपने, मैं मुसलमान मजहब से निकला हुआ हूँ, तो मैंने कुरान पढ़ा है। कुरान पे प्रैक्टिकल कीजिए, इधर कहे प्रैक्टिकल। आप दूसरी चीज पे क्यों दावा ठोक रहे हो कि वो गलत है वो सही है? आप अपने कुरान पर समीक्षा कीजिए जो पढ़ा है, दूसरे पर क्यों दावा ठोक रहे हो जो आपने पढ़ा ही नहीं है? मेरी बात सुनिए, आपने नास्तिकता के फायदे बताए थे तो अब मैं नास्तिकता के नुकसान आपको बता रहा हूँ, आप उसको कट करिएगा। बताइए, नास्तिकों के कोई नैतिक मूल्य नहीं होते। एक नुकसान बताइए उसका, मैं वही बोलने जा रहा हूँ सर। नास्तिकों के पास कोई नैतिक मूल्य नहीं होता, ठीक है? इनके पास माँ बहन बीबी में, इनके पास माँ बहन बीबी में अंतर करने के लिए कोई फार्मूला नहीं होता। मुंह बंद करेंगे पहले। आपने नास्तिकता के फायदे बताए, मैं नास्तिकता का नुकसान बता रहा हूँ, तो क्यों रो रहे हो? अरे आप गलत बोलोगे तो मुझे टोकना पड़ेगा ना। मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात प्रमाण के साथ रखूंगा ना। मेरी पहले बात सुनो सर। पूछने आए थे, म्यूट कर दूंगा अगर ज्यादा उत्तंडता करेंगे। अगर आपको सुनना नहीं है तो जा सकते हैं, और अगर सुनना है तो आराम से सुनिए। आपने कहा कि नास्तिकता के जो हैं ये फला फला फायदे हैं,
मैं आपको बता रहा हूं कि नास्तिकता के घंटा कोई फायदे नहीं है, बल्कि नास्तिक आदमी जो होता है वह स्वच्छंद होता है, उसके पास कोई भी नैतिक मूल्य नहीं होता। मैंने ऐसे बहुत सारे नास्तिकों को देखा है जो ये कहते हैं कि हम किसी के साथ भी संबंध बना सकते हैं, चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, एवरीथिंग कोई भी हो, हम किसी के साथ भी संबंध बना सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। जबकि धर्म हमें यह सिखाता है कि हम किसके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं और किसके साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। यानी कि धर्म ही वो पक्ष है जो ये सिखाता है कि कौन माँ है, कौन बहन है, कौन बेटी है, कौन बीबी है। क्योंकि ये धर्म शास्त्रों के आधार पर यह निश्चित किया गया है कि कौन किसका क्या लगता है। रिश्ते जो निर्धारित किए गए हैं वो धर्म शास्त्रों के अंतर्गत ही निश्चित किए गए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, एज ए नास्तिक, आप नास्तिक हैं, आप नास्तिकों की कोई एक बुक हमको दिखा दीजिए जिसमें यह लिखा हो कि फला व्यक्ति से हमारा ये रिलेशन है। सिर्फ एक बुक सजेस्ट कीजिए नास्तिकों की जिसमें यह लिखा हो कि फला व्यक्ति से हमारा ये रिलेशन है, और वो जो रिलेशन है उसके प्रारूप क्या है, यानी कि माँ को माँ क्यों कहते हैं, वो कहां डिफेंड किया गया है आपके नास्तिक ग्रंथों में? आपका कोई ग्रंथ है जरा बताएं मुझे। नास्तिकों का ग्रंथ किसने बता दिया जी आपको कि नास्तिकों के ग्रंथ होते हैं? नहीं तो आपने जाना कैसे, आपने जाना कैसे? आप जो नैतिकता की बात कर रहे थे ना कि भाई धर्म जो है वो आज की तारीख में महत्वहीन हो जाता है, मैं कह रहा हूँ कि धर्म आज की तारीख में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जब नैतिक ही नहीं रहेंगे आप, जब आप नैतिक ही नहीं रहेंगे, जब आप नैतिक ही नहीं रहेंगे तो आपके अंदर किस बात की चीजें रहेंगी बताएं? नैतिकता बहुत इंपॉर्टेंट होती है सर किसी भी चीज को करने के लिए। यानी कि हम जिस चीज को मानते हैं तो हमें रिश्तों का महत्व भी आना चाहिए, हमें अपने लोगों की क्या नाम है अहमियत भी मालूम होनी चाहिए, कौन हमारा क्या लगता है। आपके नास्तिक कम्युनिटी का एक व्यक्ति है जिसका नाम है नटराज, उसका नाम क्या है जरा बताना? अरविंद नवाबी। हाँ, अरविंद नवाबी। अरविंद नवाबी में भी कुछ दिन पहले ट्वीट किया था, ठीक है, और मैं वो ट्वीट अभी मैं आपको शेयर भी करना चाहता हूँ। तो आप ये चले गए क्या, ये चले क्यों गए भाई?